हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से होंगे? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक था बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था सॉलिड पे ख़त्म हुआ था। उसके हमने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। ठीक है, आज हम आपके लिए एक नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग क्या उसका ही दूसरा पॉइंट है। हमने तीन स्टेट पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं क्या है वो। तो देखिए बेटा, लिक्विड स्टेट के बारे में पहले आप पढ़ लीजिए इसके बारे में है क्या, फिर हम आपको एक्टिविटी बताएंगे। आप अगर देखेंगे एक्टिविटी पहले लिखी, पहले हम लिक्विड स्टेट के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए लिक्विड स्टेट क्या होता है, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, मास, जिसके पास क्या हो, एक डेफिनेट वॉल्यूम हो, मास हो, बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड कैसा होता है, आप देखते हैं पानी होता है, पानी में अगर आप हाथ मारते हैं तो लिक्विड पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो उसका कोई क्या शेप हो सकता है, नहीं होगा। उसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। पानी आप किसी भी रखोगे तो उसमें वैसे ही वो शेप ले लेगा, वॉल्यूम होगा और उसके अंदर कुछ मास होगा हमारा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉट रिजिड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है आप ग्लास में पानी या कोई बकेट में पानी, उसके ऊपर आप हाथ से यूं दबाओगे तो क्या पानी नीचे जाएगा, नहीं जा पाएगा। आप जितना लगाओगे, फोर्स लगाओगे, जितना प्रेशर लगाओगे, पानी अगल बगल से आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कंप्रेस करेंगे तो पानी दब जाएगा, नहीं, पानी अपना रास्ता निकालेगा जहाँ से निकलना होगा। और नॉट रिजिड, रिजिड का मतलब होता है ये हार्ड नहीं होता। सॉलिड अगर होता तो हार्ड होता है। ये चौक है, इसको हम दबाएंगे तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस भी होगा और ये टू हार्ड भी होगा। और पानी क्या है, पानी इनकम्प्रेसिबल है। तो ये इनकम्प्रेसिबल हुआ और नॉट रिजिड, हार्ड नहीं होगा, जैसे दबाएंगे वैसे दब तो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन फ्रॉम सॉलिड। अब सॉलिड से देखिए, अगर आप देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वाटर के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, लिक्विड का होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड है वो उसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास एकदम आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट है, और इसके जो मॉलिक्यूल होंगे हमारे किसके, लिक्विड के। लिक्विड के आप मॉलिक्यूल देखेंगे, अगर आप डिब्बे में देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, दूर दूर होंगे। लेकिन आप सॉलिड में देखेंगे तो सॉलिड में क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे क्या होगा, आपस में एकदम क्लोजली कॉम्पैक्ट होगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का ज़्यादा होता है लिक्विड्स के मुकाबले। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.10 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 1.10 में बेटा क्या बता रहे हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है कोल्ड, उसमें लिखा है मिल्क है, जूस है, वाटर है, ये सब चीज़ों को हम कलेक्ट करना है और बीकर लेंगे। बीकर में 50 ml का हम क्या लेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट के बीकर में, डिफरेंट डिफरेंट बीकर यानी कि कोई भी डब्बा आप कह सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बीकर लेंगे। उसमें ये सारे हम क्या डालेंगे, ये सारे लिक्विड उसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा। अलग अलग चीज़ों में अगर रखने से, मान लीजिए हमने ग्लास में रखा हुआ कोई लिक्विड रखा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो मिल्क हो, जूस हो, कोई भी हो, हमने ग्लास में रखेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, या मास क्या होगा, या शेप कैसा होगा, तो उसके बारे में बताया हम लोग देखेंगे इस एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी में हम जानेंगे वहाँ पे कि इन्होंने कहा था एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, बीकर में मान ली हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया और एक हम यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये बीकर है, ये ग्लास है, हमने मान ली इसमें कुछ भी डाला, जैसे कि कोई भी लिक्विड डाला, हमारा मिल्क जूस हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट के कंटेनर, कंटेनर का मतलब होता है कोई भी बीकर या वेसल कह सकते हैं, उसमें अलग अलग जैसे हम डालेंगे लिक्विड वहाँ पे, तो लिक्विड इसमें डालेंगे बीकर में तो ये बीकर का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। मतलब वॉल्यूम होगा, मास होगा, लेकिन शेप चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये रिजिड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, इसके मॉलिक्यूल एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिसमें डालेंगे वैसा शेप ले लेगा। आप फ्लोर पे डाल दोगे पानी तो फ्लोर का शेप ले लेगा, फ्लोर पे पूरा फैल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि पानी फ्लोर पे डालेंगे तो सीधा सीधा एकदम ऐसा रहेगा, नहीं, जैसा शेप होगा वो वैसे ही लिक्विड शेप ले लेगा अपना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक चीज़ लिखी है, ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर कॉजेज एक्वाटिक एनिमल टेक ब्रीथ ईजली।
देखिए पानी में क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक समझते हैं क्या होता है, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल यानी कि पानी वाले जितने भी, जैसे कि फिशेस हो गए हमारे, जितने भी पानी में जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है हमारी वाटर में, जिस वजह से जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल हैं वो आसानी से सांस ले सकते हैं, ठीक है। एक हमने क्या आपको पॉइंट्स बताया अलग से, ठीक। अब यहाँ पे इसकी बात तो खत्म हो गई, ठीक, ये हमने बता दिया आपको। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें लिखा रहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ अ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिफ्यूज होने का लिक्विड का, वो ज्यादा हायर है सॉलिड के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इन लिक्विड स्टेट ऑफ पार्टिकल मूव फ्रीली, ठीक है। ये क्या कर रहे यहाँ पे, बिकॉज इन लिक्विड स्टेट ऑफ पार्टिकल, जितने भी हमारे लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बीकर लिया है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब पानी के अंदर पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव फ्रीली करते होंगे, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, सॉलिड हो तो सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपके होते। अब ये क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से अटैच होकर एक ही जगह पर रह गए होंगे, नहीं, ये मूव कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से हर जगह पे, ये इधर आएंगे इधर जाएंगे, इनके मॉलिक्यूल आपस में आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सॉलिड वाला बंदा होता, कोई सॉलिड वाली चीज होती है, क्या वो मूव करते है? नहीं करते। इसीलिए कहा गया यहाँ पे बिकॉज इन लिक्विड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल मूव फ्रीली, फ्रीली मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा स्पेस होगा। जब ज्यादा स्पेस होगा तो क्या होगा, इसके पास जब ज्यादा स्पेस होगा ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो लिक्विड है, तो लिक्विड के पास ज्यादा स्पेस होगा तो आसानी से मूव कर लेंगे। सॉलिड वाले में क्या होता है, मॉलिक्यूल एकदम चिपके हुए होते, मॉलिक्यूल एकदम चिपके हुए होते, ये मूव ना कर पाते। अब भैया यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिक्विड के अंदर एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ, तो इनके बीच में स्पेस भी है, ठीक है, और ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे, तो लिक्विड में क्या हो गया हमारे पास, लिक्विड में हमारे पास ज्यादा स्पेस होता है और फ्रीली मूव करते हैं। इसको नोट करिए बेटा, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं, जल्दी नोट करिए बेटा जल्दी से। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो आया है नेक्स्ट, जो है टॉपिक हमारा, टॉपिक नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे उसी का पार्ट है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब हम बताने जा रहे हैं लास्ट गैसीय स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए गैसीय स्टेट क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पहले गैसीय स्टेट के बारे में आप देखेंगे, उसमें एक्टिविटी दी है, ठीक है, लेकिन हम आपको पहले गैसीय स्टेट के बारे में बताते हैं। गैसीय स्टेट में क्या लिखा है, गैसीय स्टेट कैसा होता है, क्या शेप नहीं है, मास वॉल्यूम सब देखेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास कि गैसीय स्टेट क्या है। इसमें लिखा है नाइदर डिफिनाइट वॉल्यूम नॉट डिफिनाइट शेप बट इट हैव अ डिफिनाइट मास, यानी कि इनके पास गैस होती है। बेटा गैस क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, हमारा जो ये रूम है, आपका जहाँ रूम होगा, क्या आप वहाँ पे एयर को ट्रैप कर सकते हो, गैसेस के मॉलिक्यूल को देख सकते हो, वहाँ पे दूर दूर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गैसेस में, सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, और लिक्विड में क्या होता है, ये थोड़े से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में एक मॉलिक्यूल यहाँ तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूर दूर होते हैं। तो गैसेस में ज्यादा दूर दूर एयर के मॉलिक्यूल है हमारे, तो इसीलिए कहा गया है कि नेदर डिफिनाइट शेप, डिफिनाइट का मतलब एग्जैक्ट, ना ही उनका कोई वॉल्यूम है, ना ही उनका कोई शेप है। अब एयर है, एयर का कोई शेप हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, गैसेस का नहीं हो सकता, ना कोई वॉल्यूम हो सकता, लेकिन उनका डिफिनाइट मास होगा, ठीक है, उनका डिफिनाइट क्या होगा, मास होगा। एक दूसरा पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था कि उनका मास होगा, तो यहाँ से ये दूसरे सेटिंग से पता चलता है कि मास क्यों होगा। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस को क्या कंप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप बड़ा सा कोई जार लिए, उसमें गैसेस फिल कर लिए, और उसके बाद में उसमें पिस्टन लगा लिए, भी बताएंगे एक्टिविटी, उसमें जब आप कंप्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे उसका मास तो होगा, यानी कि हम गैसेस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को नहीं कर सकते, लिक्विड को करेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है, गैसेस को कर सकते हैं। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल होती है, जितना ज़्यादा आप एग्जर्ट करोगे प्रेशर उसके ऊपर, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा वो, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे आप बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल। आपको याद होगा गैसेस की कुछ एग्जांपल है,
कि सीएनजी को हम क्यों यूज करते हैं। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं किसके तौर पे, एज ए फ्यूल। किसमें, इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन का मतलब होता है जैसे कि इसमें इग्नाइट, जलना, कोई इंजन, ठीक है। इंजन क्या है, जैसे कि हम लोग गाड़ी वगैरह देखते हैं उसमें किसमें यूज करते हैं, सीएनजी किसमें यूज कर रहे हैं आजकल। सीएनजी ज्यादा से ज्यादा हम किसमें यूज करते हैं, मोटर बाइक्स वगैरह में हो गए, हमारे जितने भी व्हीकल्स हो गए हमारे उसमें यूज करते हैं। मोटर बाइक्स तो नहीं, वैसे जितने भी व्हीकल्स हैं उसके अलावा और भी चीजें हैं। और क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन कंप्रेस फॉर्म इज सप्लाई टू दी हॉस्पिटल। ज्यादा से ज्यादा हम गैसेज की जो होता है हमारा ऑक्सीजन कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी तो एक गैसेज है, तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में। आजकल देख रहे हैं आप कितनी प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को भी हम कहाँ सप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल में यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर गैसेज की जो स्टेट की जो हमारे एग्जाम्पल है वो एयर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, CO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी हमारे पास एयर है, जितनी भी हमारे पास गैसेज हैं, ये सब इनके फॉर्म में है। ये नाइट्रोजन गैस हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, एयर हो गई हमारे पास। अब हम जानते हैं कि ये जो गैसेज स्टेट जो दिया हुआ है हमारे पास, इसमें एक्टिविटी है तो है क्या। एक्टिविटी अगर आप बेटा देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए एक्टिविटी 1.11 में, इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी 1.11 में, तो कुछ यहाँ पे कुछ डायग्राम बना हुआ है। आप अपनी बुक्स में देखेंगे, आप में एक सिरिंज बनी होगी, उसमें लिखा होगा कि इसमें गैस फील्ड है, इसमें ये चीज, ठीक है, उसमें आप पॉइंट देख लीजिएगा। हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने तीन यहाँ पे सिरिंज ली, तीन हमने यहाँ पे क्या ली, सिरिंज ली। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, टेक 3 सिरिंज। सिरिंज समझते हैं, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं आप लोग, इंजेक्शन वैसे वो नहीं होता, इंजेक्शन इसके अंदर डाला जाता है, ये सिरिंज होती है, सिरिंज के अंदर डाला जाता है। तो ये सिरिंज हमने ली, कितने कितने ml की ले ली, बुक में देखेंगे तो 100 ml लिखा होगा। कितनी लेनी थी सर, 3 लेनी थी। क्या करेंगे इसमें, चलिए बताते हैं, कैसे स्टेट का एग्जाम्पल है ये। हमने तीन सिरिंज ली, तीन सिरिंज में हमने क्या करा, एक सिरिंज में हमने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पिस्टन लगाया, ये क्या है, पिस्टन है। देखिए यहाँ पे ये क्या लगाया हमने, यहाँ पे पिस्टन लगाया। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन वो होता है बेटा किसी को किसी चीज़ से कंप्रेस करना, वो चीज़ एग्जर्ट करना प्रेशर, ठीक है। आप देखते होंगे जब हम लोग अपनी छोटे थे साइकिल वगैरह में, इसमें टायर में उसमें एयर फिल्ड करवाते थे, हवा भरवाते थे, क्या करते थे उसमें, उसमें हम लोग वो वाला जो जो पहले चलता था, अभी तो और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया, वो लगाओ उसमें चल जाता है, ठीक है। लेकिन अब पहले क्या करते थे, उसमें कंप्रेस करके एयर भरते थे टायर में। अब यहाँ पे वही पिस्टन का काम करेंगे, ठीक है। तो पिस्टन उसी को कहते हैं, पिस्टन एक समझिए एक तरीके का फोर्स एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट का मतलब दबाता है किसी के ऊपर। पिस्टन हमने यहाँ पे तीन लिया, हमने सिरिंज ली, सिरिंज में पिस्टन लगाया और यहाँ पे लगा दिया कॉर्क रबड़। क्यों लगाया, ताकि एयर हमारी कहीं से निकले ना। यहाँ पे हमने कॉर्क रबड़ कॉर्क लगाया, रबड़ का होता है। यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और हमने यहाँ पे भी लगा दिया। एक सिरिंज में हमने गैस बिल्ड करी, याद रखिएगा, एक सिरिंज में गैस बिल्ड करी, दूसरे में पानी और तीसरे में चौक हमने फिल कर दी। अब हमने क्या करा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताइए सबसे ज्यादा जल्दी कंप्रेशन किसमें होगा। इस वाले में कंप्रेशन का मतलब किस, कौन आसानी से कंप्रेस हो जाएगा जल्दी से, चौक वाला सिरिंज, वाटर वाला, या गैस वाली जो हमारी सिरिंज होगी। तो हमने कहा हमारे पास एक में गैस है, वाटर है, चौक है। चौक तो भैया होगी हमारे पास, सॉलिड में होगी हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखेंगे उसके पार्टिकल इतने फ्रीली नहीं, फिर भी आसपास होंगे, वाटर के थोड़े से और दूर होंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा ही दूर होंगे। इस रूम में खड़े गैसेस के मॉलिक्यूल क्या दूर दूर हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको पिस्टन को कंप्रेस करा, बुक्स में देखेंगे तो इस पिस्टन के ऊपर आप लिखा है कि थोड़ा सा इसको स्मूथ बनाने के लिए, इसको हम लिख देते हैं, इसको देखिएगा पिस्टन पे लिखा होगा, इसको स्मूथ बनाने के लिए इस पिस्टन पे हम लगा देंगे वैसलीन। क्या लगा देंगे, वैसलीन, ताकि ये आराम से अंदर जा सके, पिस्टन को जब प्रेस करेंगे ऊपर आ सके। अब जैसे ही यहाँ से पिस्टन को दबाएंगे तो चौक वाला जल्दी कंप्रेस होगा, वाटर वाला या गैस वाला। आप कहेंगे वाटर वाला, नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल देखिए, चौक के मॉलिक्यूल तो पास पास आएंगे सॉलिड में, वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े और दूर हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा ही दूर हैं। तो इससे ये पता चला कि सबसे तेजी से जो डिफ्यूजन होगा हमारा वो किसमें होगा, वो होगा हमारा सर गैसियस स्टेट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं उधर पॉइंट किस लिए होगा, इस वजह से होगा। हमारे ये जो पॉइंट लिखे हैं उसके पास क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, और क्या है, कोई शेप नहीं है,
ठीक है। और क्या है, इसके पास कोई डिफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, आराम से जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। इसको नोट करिए बेटा, अभी हम जल्दी से एक, अब वैसे ये वह इलेक्टिविटी 1.11 तक के हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर बचे हैं हम वो करवा देते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करिए बेटा आप लोग। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर आए हैं, क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में, वो पहला क्वेश्चन आपका दिया है डेंसिटी को डिफाइन करिए। मतलब डेंसिटी क्या है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हम उसको आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी पूछा गया है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी किसे कहते हैं। तो पहले हेडिंग सुन लिए आप, डेफिनेशन सुन लिए, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेंसिटी। हम लोग ये याद रखिएगा, जो डेंसिटी होती है बेटा उसको हम लोग मेजर करते हैं। मेजर का मतलब कैलकुलेट किससे करते हैं? मास पर वॉल्यूम में, मास पर वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं कैसे करते हैं, उसकी यूनिट वगैरह देखते हैं। वैसे हम लोग डेंसिटी को मेजर करते हैं मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऐसा समझिए, अगर हम आपसे पूछे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे, उस रूम में कम से कम बहुत सारे बच्चे अगर वहाँ पे ला के आपको, या आप में बहुत सारे जो ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें लोगों को आके वहाँ पे खड़ा कर दे, बहुत सारी पब्लिक हम वहाँ पे ले, बहुत सारे बच्चे ला के इकट्ठा कर दे जिस रूम में आप बैठे पढ़, तो वहाँ पे डेंसिटी कैसी होगी? आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और हाई डेंसिटी की वजह से, और हाई डेंसिटी हो जाएगी वहाँ पे। जितना ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए हम एक नॉर्मल आपको बात बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ई रिक्शे में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हुए किसी भी छोटे से रूम में, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे मेरे साथ, तो वहाँ पे चार्ज, वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा रिपल्शन होने लगेगा, जिस वजह से हाई चार्ज हाई डेंसिटी होगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है कि अरेंज ऑर्डर इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एयर दिया है, एग्जॉस्ट दिया है, एग्जॉस्ट समझते हैं जिसमें से चिमनी वगैरह जो होती है, जिसमें से बहुत ही वेस्ट धुआं वगैरह जो होता है, जो हमारा स्मोग होता है वो सब निकलता है, उसको इसलिए एग्जॉस्ट। ठीक है, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन। तो आप देखेंगे कि सबसे हमें ज़्यादा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है वो सबसे ज़्यादा हमारा आयरन है, फिर इसके बाद चॉक है, फिर हनी है, वाटर, कॉटन एंड सो ऑन। क्या है इसमें, क्या बताएं? हमें अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, बढ़ती हुई डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें इन सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा है आयरन को। अब ये आयरन को क्यों रखा बेटा? यहाँ पे सबसे हमने इसको रखा, एयर को सबसे लो रखा। आयरन में बेटा क्या होगा, आयरन जो बना है हमारा वो सॉलिड स्टेट है, और उसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होंगे, तो ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे, रिपल्शन होगा, तो आयरन सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम चौक, चौक के पास भी, चौक भी तो सॉलिड है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, आयरन से ज़्यादा नहीं होगा चौक। फिर चौक से कम हनी, हनी क्या है, लिक्विड है, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड है। उससे कम वाटर, वाटर तो और ज़्यादा, ये कम से कम थोड़ा, हनी में क्या होता है, विस्कस तो ज़्यादा होता है, विस्कस का मतलब गाढ़ापन तो होता है। आप ये कहेंगे सर ये भी वाटर है, ये भी लिक्विड है, ये बेटा प्योर लिक्विड है, ये भी है लेकिन इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कस है, विस्कस मतलब गाढ़ापन है ये हनी। तो इसमें क्या होगा, इससे कम होगा, इससे ज़्यादा कम वाटर होगा, कॉटन में तो एकदम ही कम होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो धुआं होगा, वॉट कॉटन के बाद तो धुआं, अगर आप देखेंगे तो धुआं तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, गैसेस में आ गए अब तो, और फिर एयर, एयर क्या होगी तो प्योर फॉर्म में होगी, इसके अंदर कुछ स्मोक वगैरह कुछ और भी कुछ ऐड होगा। तो ये आपका अरेंजमेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो बेटा इसके बाद आता है, टैबलेट द डिफरेंस बिटवीन, या टैबलेट द, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के बारे में, तो हमने वो नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए हमने कहा आगे ये क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन थ्री में भी देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दिए हैं, रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एक और आएगा फ्लूडिटी क्या होता है। तो रिजिडिटी बताते हैं क्या होता है। रिजिड का मतलब बेटा होता है हार्ड, कुछ इज सॉलिड,
जैसे कि ये सॉलिड है, ये ब्लैक बोर्ड सॉलिड है, तो इसमें अंदर क्या होगा, ज्यादा रिजिड होगा, हार्ड होगा। तो रिजिड का मतलब होता है टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप, टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेनेवर व्हेनेवर आउटवर्ड फोर्स इज अप्लाइड। आप चाहे इसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना फोर्स लगा लो, क्या ये ब्लैक बोर्ड का शेप चेंज हो पाएगा? नहीं। आप इसके ऊपर कस के फोर्स लगाओ, आप चाहोगे जितना फोर्स लगाएंगे इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आप चाहे जितना लगा लो, जो चीज़ सॉलिड है, जो चीज़ हार्ड है, उसका शेप नहीं चेंज होगा। हाँ, लिक्विड का कह सकते हैं, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड का शेप चेंज नहीं होगा, सॉरी लिक्विड का शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे आप कंप्रेस करोगे तो फिर भी आपका पानी, जैसे कि मान लो पानी पे आपने हाथ मारोगे तो पानी आपके अगल बगल से निकल जाएगा, लेकिन कंप्रेस होगा, हाईली कंप्रेस होगा, ये आप कह सकते हो। तो रिजिडिटी में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ हार्ड चीज़, सॉलिड चीज़ होती है, तो उस पर आप जब भी कुछ आप फोर्स लगाते हो या कोई जिस पे आप कोई भी फोर्स लगाओगे बाहर से, तो ऐसा नहीं कि उसका शेप चेंज हो जाए, वो अपना मेंटेन रखेगा शेप, कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हो। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हमने आपको बताया किसी चीज़ का दबाव, कंप्रेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ मैटर बाई अप्लाइंग फोर्स एंड नॉट चेंजिंग द मास। ये क्या कह रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम। अब आप कोई चीज़ को कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो क्या डिक्रीज होगा उसका वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक बीकर है, पानी है, यहाँ पे आपने हाथ से पानी को दबाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेस द वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक है, डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो हमारा, बाय अप्लाइंग फोर्स नॉट चेंजिंग द मास, मास नहीं चेंज होगा, आप चाहे जितना कर लो लेकिन मास वही रहेगा। हाँ, उस वाटर पे आप जैसे कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। इसको बेटा नोट करिए, फिर हम आपको फ्लूडिटी बताते हैं क्या होते हैं, नोट कर लिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा तीसरा जो हमारा है, यहाँ पे पॉइंट जो आया है, यहाँ पे फ्लूडिटी आया है। फ्लूडिटी किसे कहते हैं बेटा, फ्लूडिटी का मतलब समझते हैं, जो ईजिली फ्लो हो सके, इसको हिंदी में कहते हैं तरल। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, जो इजली फ्लो हो सके। फ्लूडिटी देखिए अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या कहता है। फ्लूडिटी कह रहा है यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मैटर टू फ्लो द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मेक्स द लिक्विड एंड गैस फ्लो इजली। क्या कहा इसने, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू फ्लो द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पास हमारा फ्लो ऑफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसके पास क्या हो, लेस हो। आप ये बताओ, वो चीज़ फ्लूडिटी यहाँ पे जैसे कि पूछी है, तो हमने कहा फ्लूडिटी का मतलब हो जो इजीली फ्लो करे। अब पानी है, पानी क्या करता है, इजीली फ्लो करता है, तो टेंडेंसी ऑफ मैटर टू फ्लो द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हाई ना हो, कम हो, एकदम लेस हो, एंड मोर स्पेस, और जहाँ ज़्यादा स्पेस होगा बिटवीन द पार्टिकल मेक्स द लिक्विड एंड गैस फ्लो ईजिली, और जिस वजह से क्या करता है, ये ईजिली फ्लो करता है। अब जहाँ स्पेस होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, सॉलिड होता, ज़्यादा आसपास एकदम मिला हुआ है तो इनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता। अब मॉलिक्यूल अगर दूर दूर हैं तो इनके बीच में स्पेस हुआ, स्पेस होने की वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हुआ, दोनों दूर दूर हैं, लेस हुआ। इसलिए यहाँ पे हमने फ्लूडिटी की जो हमारी डेफिनेशन निकली है वो ये निकली। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, जो ईजली फ्लो करे, ईजली फ्लो ठीक है, या हिंदी में कहते हैं तरल, लिख लिए इसको। अब हमारे पास बेटा आप देखेंगे तो उसमें एक और डेफिनेशन दी हुई है कि फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। एक गैस कंटेनर है हमारे पास, कहाँ पे, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक हमारे पास, चलिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास एक गैस कंटेनर है, एक ऐसा डब्बा है, ठीक है, उसमें फिल है, एक कंटेनर है हमारे पास, या बीकर कह दो या वेजल कह दो आप, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, एक डब्बे में एक वेजल में हमारे पास गैस क्या है, फिल्ड है। तो इससे क्या पता चला, उसका पूछा है शेप क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगा, तो हम आपको उसके बारे में बता चुके हैं, गैसेस का शेप क्या होता है, वॉल्यूम होता है या मास नहीं होता है, या मास होता है या वॉल्यूम, सब बता चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन लिख दिया, पीछे वाले हमारा जो हेडिंग थी उसमें देख लिएगा, हमने लिखा है गैस कंटेनर कैन हैव कैन बी फिल्ड विथ
लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, जो गैस कंटेनर है उसको हमने फिल्ड कर दिया लार्ज अमाउंट ऑफ गैस से. व्हेन एक्सर्टेड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस व्हाइल फिलिंग गैस पार्टिकल कंप्रेस इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम. अब हमने क्या करा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि हमने गैस कंटेनर लिया उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए फिल्ड कर दिया हमने लार्ज अमाउंट में गैस उसमें फिल्ड कर दी. जब हम ज्यादा उसके ऊपर कंप्रेस करेंगे या एक्सर्ट करेंगे बाहर से प्रेशर, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो जिस वजह से जो हमारा अप्लाइड होगा गैस के ऊपर फिलिंग, ये क्या है अप्लाइड ऑन ए गैस व्हाइल फिलिंग गैस पार्टिकल कंप्रेस इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा. भैया कोई हमारे पास डब्बा है, डब्बे में हमने गैस भर ली, उसके ऊपर आप पिस्टन लगा दो, पिस्टन यानी कि पिस्टन से हम कंप्रेस करते हैं या एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको दबाओ, जैसे ही आप दबाओगे तो वहां पे वॉल्यूम कैसा हो जाएगा आपका स्मॉल हो जाएगा, लेकिन मास क्या वहां पे होगा. इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ठीक है. अभी हमने इसकी डेफिनेशन बताई है कि गैसेस क्या होता है उसके बारे में भी हमने बताया. तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल होंगे, एक डब्बा लिया, डब्बे में यहाँ पे हमने क्या करा, एक हमने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे गैस फिल्ड है. जैसे पिस्टन को हम यहाँ से क्या करेंगे, पिस्टन को हम यहाँ से दबाएंगे, दबाने पे क्या होगा कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसका कम हो रहा है ना बेटा, ठीक है वॉल्यूम इसका कम हो रहा है, ये इसमें बताना है. और क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, शेप चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सब आप हमको बताएंगे ठीक है. ये हम यहाँ पे रुक रहे, फिर आप हम लोग को हमसे आप ये चीज़ हमसे क्वेश्चन करिएगा कमेंट सेक्शन में. इस चीज़ को हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ते हैं ताकि बेटा आप लोग भी कुछ करें. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा यहाँ तक हुआ, अब हम चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन. हम आपको तीसरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं, देखिए तीसरे क्वेश्चन का यहाँ आंसर लिखा है. तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो दिया हुआ है हमारे पास, अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेजल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है. एक हमारे पास गैस है जो फिल है कम्प्लीटली वेजल के अंदर, तो उसको किस में रखेंगे, क्या होगा उसमें. तो हमने कहा गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भैया गैसेस होंगे उनके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक गैस है, एक डब्बा है, डब्बा क्या ऐसे ले लिया, हमारे पास ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में स्पेस है, दूर दूर मॉलिक्यूल हैं, तो इनका जो गैसेस है नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना ज़्यादा नहीं है, सॉलिड में था गैसेस में नहीं है, इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. और ये क्या कर रहे हैं, कोई रैंडमली मूवमेंट इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर यहाँ पे मोशन कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, गैसेस हैव एन नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ गैस, दी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन एक्सपीरियंस. यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपीरियंस ऑफ वेजल, कि हमारा एक डिब्बा है, डिब्बे में क्या है, हमारे पास गैसेस फिल्ड है, फिर हमने कहा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, हमने कहा मॉलिक्यूल दूर दूर है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में होगा, पार्टिकल्स के बीच में होगा, पार्टिकल्स के बीच में होने से क्या होगा, यहाँ पे रैंडम मोशन होगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये सारी डायरेक्शन में भागेंगे वेजल के अंदर. बस ये बताना था यहाँ पे, इसको नोट किया. इसको नोट करने के बाद हमारे पास आता है बेटा, इसी का बी पॉइंट आता है. बी पॉइंट में बेटा इन्हें क्या पूछा, बी पॉइंट में इन्हें पूछा है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, एक गैस है जो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर. एक हमने बीकर लिया, बीकर में गैस थी, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इतनी देर से हम यही बता रहे हैं आपको, प्रेशर क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं. तो भैया जब यहाँ पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे, तो अंदर की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन वाली एनर्जी. जब आप कोई साइकिल चलाते हो तो पेंडल मारते हो, तो पेंडल में क्या होता है, रोटेट होता है, रोटेट होते 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 क्या होता है, उसके अंदर कौन सी मोशन वाली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि गैसेस की बात कर रहा है. नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट कैन मूव कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, एक जैसा मूव करेगा, मूविंग विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन.
सारे डायरेक्शन में एक ही कॉन्स्टेंटली तरीके से मूव करेगा। बस इतनी सी बात थी इसमें, इसको नोट करिए बेटा। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं आपको, जल्दी से नोट करिए।